मस्ती होता है, साधु का कोई भेष बाना और कोई जात नहीं होता है और उनकी अपनी मस्ती होती है। अभी हम लोग मानिक बाबा से मनियों की बात सुन रहे, उनकी अपनी मस्ती है। जहां जिस व्यवस्था में रख दे, जिस रजा में रख दे, उसी में राजी रहने वाले संत होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि बहुत दिन से आप शिविर में विराजमान हैं, आपकी भी सेवा सराहनीय होना चाहिए, इसलिए अपने ज्ञान को रखने की कृपा करेंगे पूज्य स्वामी गौतमानंद जी महाराज। बंदो गुरु पद कंजे, कृपा सिंधु नरे रूप हरि, महामोह तं पुंजे, जासु वचन रवि करे निकरे। अव्यक्त रूप में सर्वत्र विराजमान पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि मेही प्रमाण जी महाराज के उभय पाद पद्मों में कोटि से नमन। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान पूज्यपाद गुरु प्रसाद बाबा के पाद पद्मों में कोटि से नमन। अपने आवास में अवस्थित पूज्यपाद श्रद्धानंद बाबा, मंच पर आशीन पूज्य संत महात्मा गण, आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं तथा बहनों, आज इस कुंभ की धरती पर लाखों महात्माओं के सानिध्य में आकर आपको प्रवचन सुनाने का जो मुझे अवसर मिला है, मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा आश्चर्य, इतना बड़ा सुख पूरी धरती पर मैंने पहली दफे पाया है। मैं रास्ते में चल रहा था, लिखा था एक जगह बोर्ड पर इसी मेला में कि 88,000 तपस्वियों की यह तप स्थली है प्रयागराज, और पहले तो रही होगी लेकिन वर्तमान समय में भी, अभी वर्तमान समय में हमारा अंदाज है कि लाखों महात्माओं का हम सबों को सानिध्य प्राप्त है और वहाँ पर हम लोग सत्संग कर रहे हैं। ये हम सबों की आध्यात्मिक जो जिंदगी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा हम लोग का भाग्य है कि ऐसा अवसर हम लोग को मिला। आज रामचरितमानस से पाठ हुआ और पाठ था कि हमें सत्संग की प्राप्ति बड़े भाग्य से होती है। हमारा भाग्य जब सुभाग्य जब संचित होता है तो हम सत्संग की ओर हमारे पांव आगे बढ़ते हैं, और हम सत्संग में यदि आ जाते हैं तो बिना प्रयास किए ही ये संसार सागर से हम छूट जाते हैं। ये सत्संग की महत्ता है। हमें कितने लोग यहाँ कहते हैं कि भाई आप जब घर में साधना करते थे तभी तो आप अच्छा ध्यान साधना करते थे, तो क्या संतों के सानिध्य में आने पर भी उतना ध्यान करते? बोले ना 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 ना, इतना नहीं करता हूँ, यहाँ करने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि आज के पाठ में बिना ही प्रयास, बिना प्रयास के ही संसार सागर से मुक्ति हो जाती है सत्संग से, तो उसमें प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? हम संत सानिध्य में आ गए, लाखों महात्माओं की यौगिक शक्ति के सानिध्य में हम आ गए, और हमारे भी मंचों पर बहुत सारे महात्मा विद्यमान हैं। यहाँ कुछ करने के लिए शेष नहीं रहता, सब कुछ पहले से किया कराया रहता है। ये वो स्थली है जहाँ हम बैठकर अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज का रामचरितमानस का पाठ ये कहता है। फिर आगे कहा गया सज्जन और दुर्जन के लक्षण पर, कैसे चंदन काटे जाने पर भी कुल्हाड़ी से संतों के माथे पर सुशोभित होता है, और कुल्हाड़ी उसको काटने वाला जो होता है, जो होती है, वो उसको आग में तपा दिया जाता है। ये सत्संग की महत्ता है। यह आपको विचार करना पड़ेगा
मैं बार बार कहता हूँ, ये जो ध्यानात्मक पहलू जो हम लोग के साधनात्मक सत्संगों में उजागर किए जाते हैं, वो बड़े अनुभवात्मक हुआ करते हैं। संतमत में मैं बार बार कहता हूँ, जो बहुत कुछ कहता है वो कुछ कर पाता नहीं, और जो करके कुछ अनुभव करता है उसके बाद कुछ कहता है तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ प्राप्त कर लेता है। हमें लोग बहुत बहुत दूर से पूछते हैं कि तुम्हें मिलता क्या है साधुओं के संग जाने में, और सब लोग तो धनोपार्जन करते हैं, तुम भी बैठ कर वे क्या करो। तो मैंने कहा कि मीराबाई को क्या मिला, मीराबाई ने भजन गाया, क्या गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मुहे सतगुरु कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमें साधनात्मक धन मिलते हैं सत्संग में, इसलिए हम सत्संग करते हैं। लेकिन ये दुनिया क्या है साधनात्मक धन को धन मानती ही नहीं। मैंने एक बड़े वाराणसी के विद्वान हैं, उनसे मैंने पूछा, और बड़े ऊंचे पद पर है, नाम नहीं बताऊंगा, कि क्या आपको किसी साधु या संत के सानिध्य में बैठकर उनकी यौगिक शक्ति के अधीन अपने को करके कुछ अध्ययन करने आता है। उन्होंने साफ साफ कहा कि नहीं आता। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि धर्मशास्त्र के जो राष्ट्रीय स्तर के विद्वान होते हैं उनको ये भी नहीं पता होता कि साधु सानिध्य में बैठकर कैसे ध्यान की प्रक्रिया सीखी जाती है। ये देश का दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है ये। मैं तो बहुत कम आयु का था, शायद 14 या 15 वर्ष या 13 वर्ष हुआ होगा, घर से भाग करके पूर्व संस्कारों के कारण संसवीवा से दीक्षा ले आया। वो पहला कुछ होगा कर्म पूर्वजन्म का, और तब से जितना मेरे से हुआ मैं साधु संग किया, ध्यान किया, साधना किया, और बहुत कुछ करना बाकी है। इतना दिन करने के बाद भी मुझे लगता है कि अभी मैंने कुछ प्राप्त नहीं किया है। इसमें करने के लिए बहुत कुछ है। अब देखो, हम लोगों का भौतिक शरीर है, आपकी उम्र बीत जाती है, मेरी भी उम्र बीत रही है, इसका परित्याग करना पड़ेगा हमें। बाबा कबीर ने क्या कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चरिया। हमने ये जो शरीर परमात्मा से पाया है इसको निष्कलंक रूप से परमात्मा के चरण में समर्पित करके इसका त्याग हमें करना है। ये लक्ष्य बना के चलना पड़ेगा, ये लक्ष्य बना के हमें चलना पड़ेगा। इसी बीच में अरहत पद को हमें कमाना पड़ेगा, ये बाध्यता सब लोग नहीं मानते हैं। एक हमारे साथ बड़े बहुत बड़े अधिकारी थे, तो उनके परिवार के लोग कोई कार में चल रहे थे, तो मैंने कहा कि देखो मैं साधु हूँ, जब कार में चलता हूँ तो कुछ मंत्रों को लगा दो, मैं श्रवण करके चलता हूँ, मेरी आदत है, और घर में तो खुद मंत्र जपते रहता हूँ, रास्ते में कुछ मंत्रों का श्रवण करता हूँ। अरे ये कौन बाबा है, मंत्र तो सुबह में 5 मिनट अपना हल्का सा सुन लिए हो गया, और दिन भर अपना संसार का काम किए। देखो ये क्या है, ये भवसागर में पड़े हुए लोगों का बयान है। सत्संग में आने से आपका भवसागर बिना प्रयास छूटता है, और संसारियों के पास अब जाएंगे तो आपको काम में, क्रोध में, लोभ मद मोह ईर्ष्या द्वेष, उसी में वो खुद भी फंसे रहेंगे और आपको भी गिरा देंगे। तो सत्संग दुनिया छुड़ाएगी, आपकी वृत्ति को विषयों से मुड़ाएगी, और अंतःवृत्ति, आप अंतः में प्रवेश करेंगे। हम दर्शन शास्त्र के छात्र थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में BA MA सब किए थे। वहाँ पर कहता था, बड़े दार्शनिक लोगों ने भी कहा कि द लॉर्ड इज इन आवर इंटीरियरिटी, ही इज इन आवर इनवर्डनेस। परमात्मा बाहर में
नहीं है, वह अपने अंदर में है, अपने शरीर के अंदर में है। अच्छा, जब तक ये शरीर रहेगा तभी तक तो उसको खोज सकेंगे, उसके बाद तो खोजना संभव नहीं है। तो ये हम लोगों को अमूल्य धरोहर परमात्मा के द्वारा बहुत अच्छा गिफ्ट तोहफा उपहार मिला हुआ है, मनुष्य का शरीर। और इस मनुष्य के शरीर को हम प्रभु की भक्ति में लगा, थोड़ी सी भक्ति नहीं, जैसे कि मेरी मैं मेरे भक्ति करने का तरीका अलग है। श्रद्धानंद बाबा धान के द्वारा भक्ति करते हैं, मैं तन से करता हूँ, मन से करता हूँ, ज्ञान से करता हूँ, भजन से करता हूँ। लेकिन लेकिन मेरी यह मान्यता है, अगर कोई पूर्णत्व को प्राप्त करना चाहता है, पूर्णत्व कंसमेशन जो हम लोग का लक्ष्य क्या है, वो समन्वगुण क्या है, हम लोगों का लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति। अगर हम निर्वाण कर प्राप्त करना चाहेंगे तो हमें तन से भी करना पड़ेगा, मन से भी करना पड़ेगा, धन से भी करना पड़ेगा, हर प्रकार से सेवा करनी पड़ेगी। और करते 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 एक दिन ऐसा होगा कि परमात्मा हम पर द्रवित होगा और हमें अरहत पद की प्राप्ति होगी। हम शरीर के बंधनों से छूटेंगे। जब तक शरीर में रहते हैं रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, ये तीन कष्ट सताते रहते हैं। महात्माओं को भी रोग होते हैं, हो सकता है कि उनका वर्तमान कोई दुष्कर्म नहीं हो, परंतु पूर्व के दुष्कर्म महात्माओं को भी भोगने पड़ते हैं। मैं कभी कभी तर्क करता था कि हे प्रभु, महात्मा वर्तमान में तो कम से कम आपकी भक्ति कर रहे हैं, तो उसको पूर्व दुष्कर्मों का फल तो ना दें। परंतु ऐसा होता नहीं है, मेरे कहने से नहीं होता है। जो संसार के नियम बने हुए हैं, इसी शहर में एक संत हुए हैं, बड़े विख्यात हैं और बड़े अच्छे वक्ता भी हैं, उनका नाम है अभिलाष दास जी महाराज। उनका शरीर अब नहीं रहा, परंतु उनके शिष्य धर्मेंद्र साहब मेरे साथ थे यही कुछ दिन पहले। तो वो कहा करते थे, अभिलाष बाबा कहा करते थे कि यदि हम, वो बुद्धि से भक्ति करते थे, उनकी बुद्धि श्रद्धा युक्त बुद्धिवादी थे। अभिलाष बाबा श्रद्धा युक्त बुद्धिवादी भक्त थे। भक्ति की भी अपनी अपनी अपना अपना तरीका होता है। अभी एक कल मेरे साथ यूक्रेन के एक भक्त बैठे हुए थे, दीक्षित तो नहीं थे, तो बैठे थे, नाम तो मैं भूल गया उसका, सामने। तो मैं बोला कि आप कैसे जपते हो, तो मैं माले करता हूँ, माला ओम नमः शिवाय जपता हूँ। मैंने कहा कि माला से जो आपको प्राप्त होता है, अगर मैं बिना माला का ही वो करवा दूँ तो मानेंगे? नो 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 नो, मैं नहीं मानूंगा उसको। क्यों? हमारे गुरु जी ने बताया कि माला को ही करके रहना। लेकिन माला के अलावा भी, माला को छोड़ करके भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर सकते हैं, मैंने भी किया है बरसों तक, इसको स्वीकार नहीं करते। मेरी ये मान्यता है कि धर्म और ध्यान में कुछ सार धर्म और सार ध्यान होते हैं। वो जो बहुत अनुभवी ध्यानी होते हैं और बड़े अच्छे धार्मिक अनुभवी होते हैं, वही बता सकते हैं। और सब साधनों को इसमें विशिष्टता होती है, अनुभव अलग अलग होते हैं। तो मैंने कहा कि आप यदि ओम नमः शिवाय मैं बिना माला के ही इसको सिद्ध करके बता दूं तो आप मानेंगे? तो नहीं, मेरे गुरु ने कहा है माला लेकर ही जपूंगा। तो खैर, ये तो परंपरा परंपरा की बात है, तंत्र वाले कुछ अन्य तरीका बताते हैं, कुछ अन्य तरीका बताते हैं, परंतु ठीक है भाई, किसी भी परंपरे में। कभी कभी मैं, मेरा मन कहता था कि तांत्रिकों को मैं नहीं मानूंगा, तांत्रिकों को नहीं मानूंगा। क्यों? इसलिए नहीं मानूंगा कि तंत्र वाले सिद्धि रिद्धि तक ही सीमित रहते हैं। परंतु फिर बाद में मुझे भी मानना पड़ गया कि बहुत से ऐसे तांत्रिक हुए, जैसे मच्छिंद्रनाथ जी महाराज, गोरखनाथ जी महाराज, ये सब तांत्रिक थे, इन सबको निर्वाण मिले हैं। इसलिए किसी भी ट्रेडिशन परंपरा, कोई कोई संतमत की परंपरा का है तो उनको उनमें रहने देना चाहिए, कोई बुद्धिस्ट है तो उसको बुद्धिज्म के हिसाब से भक्ति करने देनी चाहिए, और अपनी अच्छी बात कुछ बतानी चाहिए अगर वो लोग मान जाए तो। अगर नहीं माने तो हम किसी को बाधित नहीं कर सकते। हम फोर्सिबली बलपूर्वक, एक व्यक्ति को मैंने कहा कि राम जी ने खुद कहा है कि मूर्ति अधिक संत करी लेखा, इसलिए तुम लोग देवताओं की भक्ति छोड़कर संतों की भक्ति में आओ। वो तैयार नहीं है। लेकिन ना 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 ना, मैं तंत्र परंपरा का हूँ, मैं तंत्र परंपरा से भक्ति करूँगा। खैर, उसकी अपनी 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 भक्ति का तरीका है। परंतु हमें इतना सत्संग के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें सत की तरफ, परमात्मा की तरफ कैसे बढ़ना चाहिए, इतना तो होता है। संसार मेरा कैसे छूटेगा, ये तो संत सानिध्य में अपने आप निश्चित हो जाता है। यदि आप संत सानिध्य में आ गए, साधु के दरबार में आ गए, सत्संग पंडाल में आ गए, तो ये सारी बातें
आप अपने आप होने लगे। एक वाराणसी की प्रोफेसर है, अभी नाम नहीं कहूंगा, तो वो कह रही थी कि मैं आश्रम तो पहुंच जाऊंगी परंतु भक्ति कैसे करूंगी ये बताओ। देखिए ये आपका विषय नहीं है, मैं आपसे ये पूछूं कि मैं क्लास तो पहुंच जाऊंगा परंतु पढ़ूंगा क्या, ये तो प्रोफेसर का विषय है कि क्या पढ़ाएगा, वो तो पढ़ पढ़ के आता ही है, वो पढ़ने की क्या आवश्यकता, वहाँ प्रोफेसर पढ़ पढ़ के पढ़ाते ही रहते हैं। हमने केवल आप आश्रम में आके बैठ जाओ फिर आगे क्या करना ये आपका विषय ही नहीं बनता, ये तो साधुओं का विषय है। तो ध्यान मार्ग में सत्संग मार्ग में इतनी बात समझ लीजिए कि आप साधुओं के पास यदि आ गए सत्संग में आ गए यह आपका बहुत बड़ा भाग्य है, यह आपका बहुत बड़ा भाग्य है। और जैसे ही आ गए फिर आगे क्या करना है आपके संत महात्माओं का विषय बन जाता है, आपका विषय नहीं। आपको केवल सत्संग में अपने आप को रखना है और बिना प्रयास के ही कम प्रयास में ही थोड़े अपने किसी भक्त को साधु संग में रखने मात्र से ही भवभंग संसार का सागर उसका छूटता है ये सुनिश्चित है। परंतु एक बात आप याद रखें, बाबा तुलसी साहब जो कि देवी साहब के गुरु थे और मैं ही बाबा के दादा गुरु थे, हम लोग उनके परदादा गुरु थे बाबा तुलसी साहब। बाबा तुलसी साहब को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उन्होंने कहा कि निर्वाण 18 प्रकार के होते हैं और मुझे एक प्रकार का निर्वाण प्राप्त है और इस निर्वाण की प्राप्ति के बाद भी मैं संत चरण में रहना चाहता हूं। मैं सोचने लगा कि जिन्होंने निर्वाण अरहत पद की प्राप्ति कर ली उनको संत चरण में रहने की क्या आवश्यकता है, परंतु जब इतने बड़े संत ऐसा कह रहे हैं जो सत्संग का परित्याग करता है साधु चरण में रहने को नहीं मानता है वो निर्वाण तो वो धर्म के रास्ते पर कभी नहीं चल सकता। निर्वाण के बाद भी साधु चरण की आवश्यकता होती है, संत चरण की आवश्यकता होती है, ऐसा तुलसी साहब ने कहा है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, फिर आगे के हरिद्वार वाले कुंभ में आपको और अच्छी बात सुनाने का अवसर मुझे मिलेगा, आप लोग मुझे अच्छी तरह सुने, इसके लिए मैं आपका साधुवाद करता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। अभी हम लोग स्वामी गौतमानंद जी महाराज के अच्छे अच्छे विचारों को सुन रहे थे और साथ ही साथ आश्वासन भी दे दिए कि हरिद्वार में भी अवसर मिलेगा तो सेवा करने के लिए तैयार रहूंगा। सौभाग्य है हरिद्वार में भी कुंभ लगना सुनिश्चित है और अभी से ही उसकी तैयारी हमारे श्रद्धानंद जी महाराज की तैयारी शुरू है। आप लोगों को निमंत्रण है। अभी हम लोग पाठ में श्रवण कर रहे थे, संत असंत की बातों को सुन रहे थे, जो